Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we'll be discussing 15 important long questions for repertory examination. Repertory is a vast subject. Itne bade subject mein se kaun se wo important questions hain jo ki examination mein most frequently puche jate hain, main aaj ke video mein aapko batane wali hu. In the next video I'll be sharing with you शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मिस ना हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज रिपर्टरी एंड इट्स टाइप्स. So, रिपर्टरी में रिपर्टरी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप की रिपर्टरी होती है, उनके एग्जाम्पल्स, ये सब आपको ध्यान में रखने होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज रिकॉर्ड कीपिंग. रिकॉर्ड कीपिंग आपका ये केस टेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ऑल्सो ये आपकी जो शशिकांत तिवारी की टेक्स्ट बुक है उसके रिलेटेड टॉपिक्स वाले पार्ट में मेंशन किया गया है. ये ऑर्गेनॉन में भी आप पढ़ते हो एंड रिपर्टरी में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूब्रिक्स. रूब्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के रूब्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूरिटन रिपर्टरी. प्यूरिटन रिपर्टरी कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी. ठीक है, ये दोनों सेम टर्म है, सेम चीज आंसर में आपको लिखनी होगी अगर ये चीजें पूछी जाती हैं. प्यूरिटन रिपर्टरी में आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ओरिजिन लिखोगे और फिर प्यूरिटन रिपर्टरी की जो भी टाइप्स है, जैसे कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी में जेंट्रीज रिपर्टरी हो गई, नर्स रिपर्टरी हो गई, तो इन सारी रिपर्टरीज को आपको अच्छे से समझना होगा. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट रिपर्टरी दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज लॉजिकल यूटिलिटेरियन रिपर्टरी. और ये रिपर्टरी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनएमएनएसएस. ये भी रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कस किया गया है. ये ऑर्गेनॉन में भी आप पढ़ते हो तो आप ऑर्गेनॉन की टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो उस टॉपिक को समझने के लिए. मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो भी बनाया है, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो से भी इस टॉपिक को समझ सकते हो. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट रिपर्टरी इज वोगर बोनी हसन्स कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी. और ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है बिकॉज जो इम्पोर्टेंट रिपर्टरीज हैं, जो भी आपकी रिपर्टरी सेक्शन की, जैसे कैंस रिपर्टरी हो गई, थेरापेटिक पॉकेट बुक हो गई, ठीक है, फिर डॉक्टर हैनमन की रिपर्टरी हो गई, बीबीसीआर हो गई, तो ये सारी कुछ ऐसी रिपर्टरीज हैं जिससे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप अगर रिपर्टरी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी दीज रिपर्टरीज. मूविंग ऑन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली कि कैंस रिपर्टरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बीबीसीआर रिपर्टरी है, तो आपको इसे भी प्रिपेयर करना जरूरी है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग अप ऑफ अ क्रोनिक केस. ठीक है, तो क्रोनिक केस आपको कैसे लेना है, ये चीज आप पढ़ते हो ऑर्गेनॉन में, बट आपकी जो रिपर्टरी की टेक्स्ट बुक है उसमें दो पूरे चैप्टर्स टेकिंग अप ऑफ अ क्रोनिक केस पे दिए गए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3 और 4. तो वो चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे एंड तभी जाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर एफिशिएंटली लिख पाओगे. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपको पढ़ना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए एंड दैट इज स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन. फ्रेंड्स, स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट दैट येट, ये आपको वॉच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं रिपर्टरी के लेक्चर्स फ्रॉम द बिगनिंग ए से स्टार्ट करके जी तक पूरे लेक्चर्स अपलोड करने वाली हूँ एंड आई हैव अपलोडेड मेनी लेक्चर्स. 20+ लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड जो कि प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे. हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल. Moving on, the next topic that is most frequently asked as long answer type question in your examination is purpose of case taking. जो case taking होती है उसका purpose क्या होता है, importance क्या होती है,
ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट रिपर्टरी इज बोनी हसन्स रिपर्टरी। फ्रेंड्स, जैसे बीवीसीआर इंपॉर्टेंट है, केन्स रिपर्टरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हैनमन की रिपर्टरी इंपॉर्टेंट है, कंकॉर्डेंस रिपर्टरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से बोनी हसन की रिपर्टरी जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोनी हसन रिपर्टरी, एंटीसोरिक रिपर्टरी जो है, थेरापेटिक पॉकेट बुक, ये सारी इंपॉर्टेंट रिपर्टरीज है जिनके भी मैं नाम ले रही हूँ, ये आपको जानना जरूरी है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज फिलोसफीज ऑफ डिफरेंट रिपर्टरी। ठीक है, तो हर रिपर्टरी जो है वो अलग फिलोसफी पे बेस्ड होती है, किसी की जनरल टू पर्टिकुलर होती है, किसी की डिडक्टिव लॉजिक, किसी की इंडक्टिव लॉजिक। तो किस रिपर्टरी की कौन सी फिलोसफी है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू बोनी हसन। डॉक्टर बोनी हसन के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट सिम्टम क्या होता है, ठीक है। ये कई बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा ये क्वेश्चन, तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेस सेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज 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 इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज रिपर्टरी लेक्चर्स, ऑर्गेनॉन लेक्चर्स, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आपको एक प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो जो स्क्रीन पे दिख रही है, और ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये प्लेलिस्ट में सारे रिपर्टरी के जो भी लेक्चर्स है वो सारे हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। तो प्लीज एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।